in the last video we discussed about the anatomy and the physiology of the cornea and now we're going to discuss about the keratitis tk so uh, first of all we'll discuss about some definitions here uh, you have uh, here the definition of keratitis keratitis itis means inflammation and kera means cornea so it's the inflammation of cornea सो so, uh, इसको देखें इस फिगर को देखें कैराटाइटिस यहाँ पे शो हुआ, हुआ है ठीक है एंड यू हैव शोन द साइंस ऑफ कैराटाइटिस के जब भी इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया होगी आपने एक पूरा चैप्टर इन्फ्लेमेशन का भरा था और उसमें आपको पता है क्या क्या हो रहा था इन्फ्लेमेशन में और वो सब कुछ अगर कॉर्निया के अंदर होना शुरू हो जाए ना तो उसको हम कैराटाइटिस कहते हैं अब खुद सोचेंगे जब कॉर्निया के अंदर इस तरह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी तो कॉर्निया के अंदर क्या साइंस आएंगे पेशेंट के अंदर क्या प्रेजेंटेशन होगी साइंस की ठीक है सो उसको क्या होगा रेडनेस होगी रेडनेस होगी देखिए उसकी रेड आई हुई हुई है रेडनेस हुई हुई है इसके अलावा क्या होता है उसकी आंखों में से पानी निकल रहा होता है ठीक है कॉर्निया के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं हुई है कॉर्निया डैमेज हुआ हुआ है तो ऑब्वियसली पानी तो निकलेगा तो इलेक्मेशन होगी इसके अलावा क्या होगा फोटोफोबिया होगा पेशेंट से आंखें नहीं खोली जाएंगी जब उसके अंदर आगे जो है हम लाइट लेके आएंगे तो उसको चुभन होगी वो आंखें बंद कर लेगा ठीक है तो फोटोफोबिया होगा उसको इसके अलावा क्या होगा कि ब्लडिंग ऑफ विजन होगी उसकी विजन ब्लड हो जाएगी क्यों हो जाएगी बिकॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया लीड्स टू अल्सर फॉर्मेशन ठीक है जब भी वहाँ पे कॉर्निन अपेक हो जाएगा ना इसके अलावा इसके अलावा वहाँ पे ओपेसिटी हो जाएगी अब अल्सर फॉर्मेशन में क्या होता है जैसे इस फिगर में आप देखिए मैं आपको क्लियर करती हूँ अल्सर फॉर्मेशन के बारे में अल्सर फॉर्मेशन देखें क्या होता है जब इन्फ्लेमेशन स्टे करती है ना तो वी स्टडी अबाउट द एक्यूट इन्फ्लेमेशन जिसमें अल्सर फॉर्मेशन भी हो सकता है तो जब ये डीप करता जाता है मतलब पहले अगर अल्सर जो है एपीथीलियम को इन्वॉल्व कर रहा है फिर वो स्प्रेड होता जा रहा है डीप होता जा रहा है तो अब सोचें कि जब यह अल्सर जो है बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये हमारी जो कॉर्निया की बिल्कुल लास्ट लेयर होगी उसको भी

and corneal opacity is due to corneal ulcer. Corneal ulcer is due to inflammation. ठीक है तो इस तरह से corneal ulcer होता है सो so, uh, keratitis में हमारे पास ये signs होते हैं Do remember them. और इसके लिए आप निमोने याद कर सकते हो B blur. ठीक है P for pain and photophobia. पेन क्यों होगी कॉर्निया के अंदर क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉर्निया हैज डेंस नर्व सप्लाई तो उसकी वजह से पेन भी होती है पेशेंट को पेन फोटोफोबिया बी फॉर ब्लरिंग ऑफ विजन एल फॉर लेक्राइमेशन और R फॉर रेडनेस ठीक है इस तरह से याद रखने है इसके साइंस जो पेशेंट आके प्रेजेंट करेगा ठीक है सिम्टम्स होंगे पेशेंट के सॉरी तो सिम्टम्स होंगे ये पेशेंट के अंदर प्रेजेंटेशन होगी नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन कॉर्नियल अल्सर अल्सर इज अ लोकल डिफेक्ट और द एक्सकेवेशन ऑफ द कॉर्नियल सर्फिस प्रोड्यूस्ड बाय स्लफिंग ऑफ ऑफ द इंफ्लेमेटरी न्यूरो नेक्रोटिक टिश्यूज़ ठीक है क्या हो जाता है देखिए जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना कॉर्निया की हमने पढ़ा कैराटाइटिस हुआ हुआ है अब इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्रोसिस हो जाएगी ठीक है सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी उनकी तो जब इन्फ्लेमेट्रिक नेक्रोटिक टिशू बन जाता है ना अब वो वो किसी काम का टिशू रहता नहीं है तो वो टिशू ऊपर से उतर जाता है ठीक है अब वो सोचे एक इन्फ्लेमेशन जो है अल्सर की तरफ कैसे लीड करके जाता है पहले वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही थी इन्फ्लेमेशन की वजह से सेल्स वहाँ पे मरना शुरू कर दिया उन्होंने तो इन्फ्लेमेटरी नेक्रोटिक टिशू बन गया अब वो किसी काम का नहीं होता तो जब भी कोई रफ चीज़ हो जाती है ऊपर से तो वो खुद ही स्लफ ऑफ होना शुरू हो जाती है तो अब स्लफिंग ऑफ जब होगी तो उसकी वजह से वहाँ पर लोकल डिफेक्ट या एक्सकवेशन गरा सा बन जाएगा जिसको हम कॉर्नियल अल्सर कहते हैं कॉर्नर के सर्फेस के ऊपर ठीक है सो कॉर्नियल अल्सर ठीक है जैसे आपको मैंने फिगर में दिखाया था कि जैसे कॉर्नियल अल्सर बना हुआ है पहले कॉर्निया एपिथीलियम बिल्कुल ठीक है और बाद में उसके अंदर जैसे वैसे ग्रा सा बना हुआ है सो दिस इस ना होना है इस कॉर्नर अल्सर। एक्सकवेशन इस कॉर्नर इस कॉर्नर अल्सर ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द हाइपोपायोन अल्सर। हाइपोपायोन क्या होता है? मींस के नीचे होगा कुछ ठीक है। बिलो। और पायोन मींस पस पास क्या होगी वो बिलो पड़ी होगी मतलब कि हम जब देखेंगे ना कॉर्निया को बाहर से ठीक है तो जो इंटीरियर चैंबर होता है ना यू you नाउट know दैट इंटीरियर चैंबर जो है वो कौन सा एरिया होता है ठीक है इंटीरियर चैम्बर इज द लोकेशन कहाँ पे होता है ये कॉर्निया और आयरस के दरमियान में जो रीजन होता है उसको कहते हैं इंटीरियर चैंबर अब इंटीरियर चैम्बर के ना अंदर नीचे करके ना नीचे बैठा होता है ये पास पास से बैठी होती है तो ये जो पास होती है ना इंटीरियर चैम्बर में इसको हम हाईपोपाईन कहते हैं एज यू कैन सी इन दिस फिगर इस फिगर में आपको जो है ना ये वाइट कलर का एरो से दिखाया हुआ है ये पस है ठीक है हाइपोपायन है हाइपोपायन मतलब ये पस जो इंटीरियर चैम्बर में नीचे बैठी हुई है ठीक है अब ये होती क्यों है देखिए जब हमारे बैक्टीरिया आते हैं ना तो बैक्टीरिया जब यहाँ पर आएंगे ना इस जगह पर ठीक है तो उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी के डब्ल्यू बी आ जाते हैं पोलिमोफो न्यूक्लियर सेल्स आ जाते हैं एक्सुडेट आ जाता है ठीक है तो वो 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 यहाँ पर आके ना इटीरियर चैंबर में नीचे बैठ जाता है तो इसको कहते हैं तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि हाइपोपायन अल्सर की क्या इट इज़ अ एक्सुडेट फॉर्मेशन इन द कॉर्नल अल्सर ठीक है जिसको आप कहते हो कि इंटीरियर चैम्बर में ये एक्सुडेट बैठा होता है ठीक है एजोरेट फॉर्मेशन uh, हो जाती है इटीरियर चैम्बर में क्यों होता है ड्यू टू द एसोसिएटेड एसोसिएटेडोसिकलाइटस मतलब ये कि जब बैक्टीरिया अंदर आते हैं ना कॉर्नियल अल्सर हुआ ना तो कॉर्नियल अल्सर जब uh, अंदर की तरफ वो इन्वेट करेंगे बैक्टीरिया ठीक है एपटीरियम क्योंकि डैमेज हो गई हुई है अब बैक्टीरिया आसानी से अंदर आ सकते हैं तो अंदर आएंगे तो उसकी वजह से डब्ल्यू बी सीज उनसे लड़ने के लिए आ जाते हैं ठीक है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आयरस और सिलिटी बॉडी होती है ना उसकी भी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है एरेडोसिक्लाइट है तो इसके साथ एसोसिएटेड इस होता है ये हाइपोबायोन अब हाइपोबायोन पौप, का ना मैकेनिज्म क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए ठीक है इसका मैकेजम क्या होता है कि हमारे जो है ना आयरेडोसिक्ला सिक्लाइटिस होता है सबसे पहले ठीक है हमारे जब बैक्टीरिया आते हैं ना तो अपने टॉक्सेंस रिलीज़ करते हैं एपिथेलियम डैमेज हुई बैक्टीरिया आ गए बैक्टीरिया ने अपने टॉक्सिनस रिलीज़ किए उन टॉक्सेंस की वजह से हमारी आयरस भी इनफ्लेम हो गई सीरीरी बॉडी भी इन्फ्लेम हो गई जिसको हम आरेडोसिक्लाइटिस कहते हैं अब क्या होगा जब ये बैक्टीरिया वहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होंगी इन्फ्लेमेशन हुई होगी है ना तो वहाँ पर क्या होगा कि बेजो हो जाएगी बेजो होगी तो उसकी पमेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी ब्लड वेसल्स की उनकी पमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ से डब्ल्यू आसानी से ब्लड वेसल से बाहर आएंगे एक्जोरेट फॉर्मेशन होगी ठीक है और वहाँ वो इंटीरियर चैम्बर में ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठना शुरू कर देंगे ठीक है ग्रेविटी की वजह से वो डब्ल्यू बी जो है वो नीचे जब बैठेंगे इंटीरियर चैम्बर में तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द हाइपोपायोन ठीक है सो so, आइरोडोटिक्लाइटिस ड्यू टू तो द लिब्रेशन ऑफ टॉक्सिस्स बाय द बैक्टीरिया उसकी वजह से क्या होगा वेजोडाशन होगी डब्ल्यू बीसीबलिटी की वजह से बाहर आएंगे इंटीरियर चैम्बर में और ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएंगे तो इसको हम हाइपोपायोन कहते हैं सो रिमेंबर द ऑफ इट उसके बाद आज तक कॉजेस क्या आते हैं इन्फ्लेन ऑफ कॉर्निया के जो है कैराटाइटिस के कॉजे क्या होते हैं तो ये माइक्रोबियल हो सकते हैं नॉन माइक्रोबियल हो सकते हैं माइक्रोबियल मीनस इसमें हमारे पास क्या होंगे इफेक्टिव इन्फेक्शन होगा बैक्टीरिया की वजह से फंजाई की वजह से वायरसिस की वजह से प्रोटोजन की वजह से ठीक है और जो हमारे पास होता है क्लेमेडिया उसकी वजह से भी होता है टिपिकल बैक्टीरिया होते हैं इसलिए हम इसको अलहदा से स्टडी करते हैं दूसरा हमारे पास होता है नॉन माइक्रोबियल काज मतलब इसमें कोई इफेक्शन ही होगा इसमें क्या होगा दूसरे काजेज हो सकते हैं लाइक जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी कॉर्निया की हाइपर सेंसिटिविटी ऑटो इम्यून रिएक्शन हो सकते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं लाइक वाइटमिन ए डेफिशिएंसी हो गई किसी को इसके अलावा ड्राई आई हो गई जैसे हमने पिछले वाले क्राइमल सिस्टम में पढ़ा था करेटो कन्जेक्टिव सी का ठीक है तो उसकी जो है प्रॉब्लम ड्राई आई किसी तरह हो जाए जिस तरह जब भी हमारी आई ड्राई होती है ना तो हमारे कॉर्नर डैमेज होने के बहुत से चांसेस होते हैं इन्फ्लेमेशन के बहुत से चांसेस हो जाते हैं ठीक है इसके अलावा पीछे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हमारे पास आईलाइट्स की प्रॉब्लम्स थी ट्रिकिएसिस थी एंट्रोपियन था उसकी वजह से हमारी कॉर्निया जो है वो होती है इफ्फ्लेशन हो जाती है ठीक है जो तो अंदर जो है आईलिसेस चुबरी होती हैं कॉर्निया को तंग कर रही होती हैं इसके अलावा केमिकल बर्न्स की वजह से ठीक है एसीडनल क्लीस की वजह से किसी तरह हमारी जो है ना कॉर्निया डैमेज होनी चाहिए तो ये सारे काजेज़ है इसके अलावा हमारी जो फेशियल नर्व होती है ना जब उसकी पैरालिसिस हो जाती है ना तो इसको हम अंडर द हेडिंग देखते हैं न्यूरो पेलिटिक के फेशियल नर्व पालस हो गई है उसकी वजह से फिर कॉर्न एक्सपोज हो जाता है कॉर्निया एक्सपोज जब भी होगा इस कि के एक्सपोयर हो गई कि फॉर एग्जाम्पल प्रोपोसिस हो जाती है हमारा आई बॉलॉल जो होता है ना वो बाहर की तरफ आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि जब हमारे कॉर्न expose एक्सपोज रहता है काफ़ी अर्से तक ठीक है नॉर्मली जब भी हमारे आई को कोई चीज़ टच करती है तो साथ ही हम अपनी आ, आँख बंद कर लेते हैं अब कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें हम अपना आँख नहीं बंद कर सकते ठीक है अपनी आँख बंद नहीं कर सकते तो उसमें क्या होता है कि एक्सपोयर केरेटोपैथीज हो जाती हैं उसकी वजह से कैराटाइटिस हो जाता है सो रिम्बर द कॉम्पली रिमैबर द क्लासीफिकेशन कि माइक्रोबियल एंड नॉन माइक्रोबियल माइक्रोबियल में आपने माइक्रोबते हैं नॉन माइक्रोबियल में अपने हाइपर सेंसिटिटी ऑटो इम्यून रिएक्शन न्यूट्रिशनल ठीक है केमिकल बर्नस हो गए इसके अलावा आईलेट की नॉर्मैलिटीज़ हो गई ड्राई आई हो गई फेशियल पैरालस मतलब यूरो पैरालिक की हेडिंग में आ गया ठीक है ये सारे आपके आ जाएंगे टीर फेम नॉर्मोलिटीज ठीक है तो रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन ठीक है ओके लेट स्टार्ट द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर अब कॉर्ॉनल अल्सर जो है वो डिफरेंट वजह से हो सकता है ऐसे बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो सकता लेकिन हम अभी जो स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द बैक्टीरियल कॉर्नल अल्सर मतलब कि कॉर्नल अल्सर हमने देखा था वो क्या होता है एक्सकेवेशन हो जाती है ना ठीक है वो स्लफंग ऑफ हो जाती है नेक्रोटिक करोटिक जो हमारे पास टिशू हो गया होता है तो वो जब उतर जाता है तो उसको हम कॉर्नल अल्सर कहते हैं अब वो बैक्टीरिया की वजह से अगर उसको होगा तो उसको हम बैक्टीरियल कॉर्नल अल्सर कहेंगे सो इट इज़ अ कॉर्नल अल्सर असर कॉज बाय द बैक्टीरिया ठीक है इसकी कॉज क्या होती है कॉज क्या होती है इसकी डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं ना बैक्टीरिया डिफरेंट हमारे होते हैं वो जो कॉनल अल्सर बनाते हैं ठीक है तो इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं रिमेंबर द बैक्टीरिया नेम्स ठीक है जिसमें हमारे पास टैफ्लो है स्ट्रैप्टो है गोनोकोकस है गोनो ठीक है इसके अलावा आपका क्लैप्सियाला प्रोटियस सुडोमिज फॉर एक्गजेला ये सब आ जाते हैं तो रिमेंबर द बैक्टीरिया नेम्स ये सारे हो सकते हैं जो हमारे बैक्टीरियल कॉर्नियल कौन में टेक पार्ट करते हैं नेक्स्ट द पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस में आपने इसकी फोर स्टेजेस याद रखनी है एज यू कैन सी इन दिस फिगर ठीक है सबसे फर, आ, सबसे ऊपर वाली अगर फिगर आप देखें ना तो इसमें क्या होता है स्टेज होती है इनफिल्ट्रटिव मतलब कि हमारे बैक्टीरिया जब आएंगे ये वाले तो हमने बैक्टीरिया के भी देखे हैं कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं ये इनफिल्ट्रेट रहे होंगे ठीक है ये अंदर की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे होंगे तो इसको हम इफिल्ट्रेटिव स्टेज कहेंगे ठीक है नेक्स्ट पे जो तो स्टेज होती है वो होती है एक्टिव स्टेज एक्टिव स्टेज के अब बैक्टीरिया जो है वो अंदर इन्फल्ट्रेट कर चुके हैं अब उसने क्या करना है अब उन्होंने तबाही करनी है जो अंदर वो तबाही में चाह रहे होंगे ना कॉर्निया के अंदर घुस के ठीक है अंदर आई के अंदर इसको आप कहेंगे एक्टिव स्टेज ठीक है थर्ड स्टेज जो होती है वो क्या होती है रिग्रेसिव स्टेज रिमेंबर ठीक है रिग्रेसिव स्टेज रिग्रेसिव क्यों हो जाएगी क्यों हमारे पास रि रिग्रेशन होगी एक्टिव के बाद क्यों रिग्रेशन होगी क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स आ गए हैं लड़ने के लिए बैक्टीरिया पहले एक्टिव हुए हुए थे अब हमारे बॉडी के सेल्स जब आएंगे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसको हम कहेंगे रिग्रेसिव स्टेज और लास्ट स्टेज क्या होती है आपके पास सिकट्राइजेशन स्टेज ठीक है इसमें हमारे पास क्या होता है स्कार फॉर्मेशन हो जाती है ठीक है वहाँ पर फाइबर आ जाते हैं फाइबर आके कॉन्ट्रैक्शन करते हैं वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन हो जाती है हीलिंग स्टेज होती है ठीक है स्कार फॉर्मेशन इज़ अ टाइप ऑफ हीलिंग ठीक है हमारी बॉडी जो है वो उसको हील करने की कोशिश करती है किसी किसी तरह जो है कि डिफेक्ट जो हुआ हुआ है अल्सर जो बना हुआ है इसको मैं हील कर दूँ और जो जो हो रही है इंफ्लॉशन को मैं लिमिट कर दूँ ठीक है सो लास्ट स्टेज आफ्टर द रिग्रेशन स्टेज इज़ द सिकट्राइजेशन स्टेज तो रिमेंबर द स्टेज नेम्स इन्फिल्ट्रेटिव एक्टिव स्टेज रिग्रेसिव स्टेज एंड द सिकटराइजेशन स्टेज सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्टेज इनफिल्ट्रेटिव स्टेज इसमें क्या होता है जब शुरू में सबसे पहले हमारी अपीथीलीम जो होती है ना वो इंजर हो जाती है ठीक है इंजर हो गई फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रोमा है उसकी वजह से कॉर्निया की एपिथीलियम जो है वो टूट गई ठीक है उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर हमारे पास जो है ना अपीथीलियम और स्ट्रोमा में आ जाएंगे क्या हमारे बॉडी के सेल्स ठीक है इनफिल्ट्रेट करेंगे न्यूक्लियर न्यूकोसाइड्स आ जाएंगे वहाँ पर ठीक है तो ये हमारे पास जो आएगा ना वहाँ पर ओपेसिटी आ जाएगी ओपेसिटी जब हमारे पास नजर आएगी ना कॉर्निया कॉर्नियाप ओपेक नजर आएगा तो उसका जो कलर हमें नजर आएगा ना वो येलो या वाइटिश नजर आएगा ठीक है तो उसकी वजह से फिर हमारे पास जो है ना ये इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज होती है जस्ट हमारी कॉर्निया की एपिथीलम इंजर हुई वहाँ पर हमारे लिक्विसाइड्स आ गए और उसने कलर दे दिया येलोइश या वाइटिश ठीक है नेक्स्ट हमारे पास होती है एक्टिव स्टेज एक्टिव स्टेज में आपने जो है ना तीन चीज़ें याद रखनी है एक ये कि यहाँ पर ना हमारा अल्सर बन गया होता है नेक्रोसिस हो गई होती है ठीक है अब वो सोचे जब वहाँ पे अल्सर हो जाएगा ठीक है ऊपर वाली एपीथीलीम डैमेज हो गई हुई है ठीक है अब अल्सर भी बन गया हुआ है तो ऑब्वियसली हमें क्या नज़र आएगा कि स्ट्रोमा के अंदर डीमा नज़र आएगा ठीक है स्ट्रोमा में पानी आ जाएगा ठीक है क्योंकि अपीथीलियम जिसने कवर किया हुआ था उसको एपिथीलियम को उसने बचाया हुआ था कोर्ना को अब वो नहीं है अपीथीलियम खत्म हो गया है अल्सर बन गया है तो वहां पर स्ट्रोमल अडीमा नजर आएगा हमें ठीक है इसके अलावा हमें ना इसमें जो है याद रखना है जो अल्सर बना होता है ना इसकी शेप क्या होती है सॉसेज टेप शेप होती है सॉसेज जैसे होता है ना उसकी शेप का होता है अल्सर और इसका कलर हमें जो है ना ग्रेइश वाइट नजर आता है इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज में कौन सा कलर था येलोइश वाइट यहाँ पे किस कलर का है ग्रेइश वाइट तीसरी चीज जो है ना हमें हाइपोपायोन नजर आना शुरू हो जाता है यहाँ पे ठीक है क्योंकि वाइट सेल्स जो है वो अब लड़ चुके हैं बैक्टीरिया वगैरह के साथ ठीक है तो ये स्टीराइल होता है रिमेंबर द हाइपोपायोन इज अ स्टीराइल पस ठीक है इट्स स्टीराइल तो स्टीराइल जो हमारे पास पस होती है उसको हम हाइपोपायोन कहते हैं ये हमें एंटीरियर चैम्बर में, में नजर आती है ठीक है तो ये तीसरी चीज़ होती है एक्टिव स्टेज की रिमेंबर द एक्टिव स्टेज बाय द थ्री पॉइंट्स इज़ एक्चुअली द सॉसेज दॉस शेप्ड अल्सर कलर याद रखना है कौन सा होता है ग्रेस व्हाइट होता है तीसरी चीज़ हाइपोपायोन नजर आता है हमें ठीक है सो इट इज इट इज इन द एक्टिव स्टेज एक्टिव स्टेज के बाद आ जाती है हमारी रिग्रेसिव स्टेज रिग्रेसिव स्टेज में क्या होता है सो so ये आपकी बुक की पिक्चर है एक्टिव स्टेज ऑफ अल्सर इसमें दिखाया हुआ है सेंटर में ये देखें आपको नजर आया हुआ नजर आ रहा है एक्टिव अल्सर है ठीक है बिल्कुल एक्टिव हुआ हुआ है कैसे पता चल रहा है आपको कि एक्टिव है ठीक है यहाँ पे आपको ये ग्रेश वाइट नज़र आएगा इसके नीचे आपको क्या नज़र आएगा हाइपोपायोन नज़र आएगा ये हाइपोपायोन आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है नीचे इसके अलावा आपको कॉर्निया में हेज़ नज़र आएगी हेज़ इज़ समथिंग के आपके अंदर जो कॉर्निया के अंदर क्या होगा धुंधला धुंधला सा आ जाएगा ठीक है जिसको आप हेज़ी कॉर्निया कहते हो इसके अलावा क्या नज़र आएगा आपको सीलेडी कंजेशन नजर आएगी सीलेडी कंजेशन क्या होती है कि जो लिम्बस का एरिया होता है ना लिम्बस क्या होता है जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स क्लेरा मिलते हैं उस एरिया को कहते हैं लिम्बस लिम्बस में हमें सीलियडी कंजेशन नज़र आती है मीन कि यहाँ पे क्या होता है जो ब्लड ब्लड वेसल्स होती हैं ना हमारी वो डायलेट कर जाती हैं उसकी डायलेशन की वजह से क्या होता है सीलियरी कंजेशन नज़र आती है जब ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी ना हेजी कॉर्निया सीलियरी कंजेशन एक्टिव अल्सर हाइपोपायोन तो आपने समझ जाना है कि ये हमारी एक्टिव स्टेज चल रही है कॉर्नल अल्सर की ठीक है तीसरी हमारी जो होती है ना ये रिग्रेसिव स्टेज रिग्रेसिव स्टेज में सारा कुछ ठीक हो गया होता है रिजॉल्व हो गया होता है ठीक है हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ हमारे ल्यूकोसाइड्स लड़ चुके होते हैं और डिमार्केशन लाइट लाइन हमें नज़र आती है बिटवीन आर बैक्टीरिया मतलब जो हमारे होते हैं अल्सरेटेड एरिया और ल्यूकोसाइड्स ठीक है डिमार्केशन लाइन मतलब उनके दरमियान में डिस्टिंग्विश करने वाली लाइन है कि अब ये लूकोसाइड्स अल्सरेटेड एरिया के दरमियान में सेपरेशन हो गई है ठीक है तो ये रिग्रेसिव स्टेज होती है यू कैन सी इन दिस फिगर ये आपके की पिक्चर है इसमें देखें दरमियान में आपको अल्सर नज़र आ रहा है और हमारे पास क्या है उसके अल्सर के बाहर हील्ड एरिया है बिल्कुल ठीक हो गया हुआ है कोई आपको हाइपोपायोन नहीं नज़र आ रहा ठीक है और बाहर बिल्कुल आउटर मोस्ट जो है ना आपको क्या नज़र आ रहा है कॉर्निया नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल क्लियर है दरमियान में बिल्कुल क्या है अल्सर है फिर आपकी डीमार्केशन लाइन है डीमार्केशन लाइन बिटवीन द अल्सर एंड द हील्ड एरिया ठीक है इस हील्ड एरिया में ना आपको ल्यूकोसाइट्स नजर आते हैं ठीक है इस वजह से इसको कहते हैं कि डिमार्केशन लाइन बिटवीन द अल्सर एंड द हील एरिया ठीक है और बिल्कुल बाहर जो है क्लियर कॉर्निया होगा बिल्कुल साफ सुथरा कॉर्निया हो जाएगा तो जब इस तरह के आपको कॉर्निया नज़र आएगी ना तो इसको आपने लेबल कर देना है एज अ रिग्रेसिव स्टेज फिर लास्ट स्टेज होती है सिकट्राइजेशन स्टेज इसमें क्या होता है हीलिंग हो जाती है ऑब्वियसली क्या होगा स्कारिंग हो जाएगी मैंने आपको बताया था शुरू में कि स्कारिंग हो जाएगी वहाँ पर फाइबर ब्लास्ट की वजह से वो कंट्रैक्ट करेंगे स्कार बना देंगे ठीक है तो इसको हम कहते हैं सिकट्राइजेशन स्टेज और ऊपर से दोबारा से एपिथेलियम जो है वो प्रोग्रेसिव अपीथीलाइजेशन हो जाएगी अल्सर की तो उसको हम कहते हैं तो ये सारी स्टेजेस जो है ना इसको आपने याद रखना है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स होते हैं क्लिनिकल फीचर्स हमने जो है ना फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने डिस्कस किए थे कि हमें कैराटाइटिस में जो है वो क्या क्या फीचर्स नज़र आते हैं तो स्टार्ट में हमने देखा था कि इसमें हमने ऐसे याद रखना होता है पी ब्लर ठीक है पी मीस पेन एंड फोटोफोबिया कैराटाइटिस में ने देखा था और ब्लडिंग ऑफ विज़न होती है और इसके अलावा एक्रामेशन होती है रेडनेस होती है हेलोज होते हैं हलोज़ क्या होते हैं ये ना आप किसी पेशेंट में देखते हैं एडीमा की वजह से ना हमें ये हेलोज नज़र आते हैं एज यू कैन सी इन दिस फिगर ये हेलोज हैं पेशेंट कहेगा कि मैं जो है ना किसी भी चीज़ को लाइट को देखता हूँ ना लाइट को देखता हूँ तो उसके कितना मुझे ऐसे ब्राइट सा एरिया नज़र आता है ठीक है इसको हेलोज़ कहते हैं तो पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ दिस टू ठीक है इसके अलावा साइंस क्या होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं इसको मैं नेक्स्ट से आपको बताती हूँ साइंस से आगे क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एडसेक्ट्रा ठीक है